चीन में इस दिन रिलीज होगी अक्षय कुमार की टॉयलेट इल्क प्रेम कथा, जानिए फिल्म का नया नाम। अक्षय कुमार बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से हैं जो साल में 4 से 5 फिल्में करते हैं और उनकी ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई करती हैं। फिल्मों में कमाई की बात करें तो अक्षय भी आमिर और सलमान की राह पर चल पड़े हैं। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की टॉयलेट एक प्रेम कथा को चीन में रिलीज करने की पूरी तैयारियां कर ली गई है। जी हाँ, दरअसल बॉलीवुड एक्टर्स को चीन अब रास आने लगा है। आमिर खान ने तो पहले ही दिखा दिया कि वे न केवल बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं बल्कि चीन में भी उनका दबदबा कायम है। उनकी पिछली कई फिल्में 3 इडियट्स, धूम 3, पीके और पिछले साल रिलीज हुई सीक्रेट सुपरस्टार ने जबरदस्त कमाई की है। अब अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा चीन में रिलीज की जाएगी। इस फिल्म को 8 जून को चीन में रिलीज किया जाना है। यह फिल्म चीन में टॉयलेट हीरो के नाम से रिलीज होनी है। सीक्रेट सुपरस्टार्स, बजरंगी भाईजान, हिंदी मीडियम और बाहुबली 2 के बाद साल 2018 में चीन में रिलीज होने वाली यह 5वीं फिल्म है। टॉयलेट एक प्रेम कथा एक हास्य व्यंग्य फिल्म है जो ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता के महत्व जैसे गंभीर मुद्दे पर प्रकाश डालती है। फिल्म की कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी।